नमो नमः। छात्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को वृद्ध संधि पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए वृद्ध संधि पढ़ते हैं। देखिए, इसमें हमने दो सूत्र लिख दिए हैं। तो जो पहला सूत्र है वो है वृद्धिरादैच, और जो दूसरा सूत्र है वो है वृद्धिरेच। अब इन दोनों सूत्रों में हमको समझना है कि इस सूत्र का क्या मतलब है और इस सूत्र का क्या मतलब है। हमने ये पढ़ा होगा कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कुछ होते हैं और कुछ गुण संज्ञक वर्ण होते हैं। तो जैसे वृद्धि संज्ञक वर्ण जो हमने पढ़ा, बड़ा आ, ऐ, औ, ये तीन वर्ण जो होते हैं वो वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं। इसी तरह से इसके पहले वाली जो गुण संधि पढ़ा था हमने, तो उसमें भी हमने यही पढ़ा था, बड़ा आ, ए और ओ, ये तीन गुण संज्ञक वर्ण थे। इनका सूत्र था अदेन गुणा। तो यहां पर हम ये जो वृद्धि संज्ञक सूत्र है, इस सूत्र को पहले समझाएंगे। यह सूत्र विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वृद्धि प्लस आत प्लस ऐच। तो यहां पर वृद्धि आत ऐच, तो ये बराबर जब एक में जोड़ेंगे तो हो जाएगा वृद्धिरा दैच। तो ये जो आत है, ये आत हमने कहां से लिया है? जो गुण संधि में पढ़ा था उसमें उसका सूत्र था आत गुणा। आत गुणा में आत प्लस गुणा था। आत का मतलब होता है बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ। तो यहां पर बड़ा आ लिए, और एच में प्रत्याहार पढ़ाया था ए ओंग ए औच। तो एच में दो वर्ण आएंगे, एक ए होगा दूसरा औ होगा। तो ये जो तीन वर्ण हैं ये हमारे वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं। अब इसके बाद हमको अगला सूत्र समझना है वृद्धिरेच। तो वृद्धिरेच सूत्र का विच्छेद जब करेंगे तो इसका विच्छेद होगा वृद्धि प्लस एच। तो ये जो एच है, यह एच एच प्रत्याहार पढ़ाऊंगा। एच प्रत्याहार का जब सप्तमी व्यक्ति में रूप चलाया गया तो एच बना। और हमने कल भी बताया था कि जिस पद में सप्तमी व्यक्ति होगी वह उत्तर पद होगा। यहां पर एच के अंतर्गत जो भी वर्ण आएंगे वह हमारे उत्तर पद में होंगे। तो एच में ए ओंग और आए औच, यानी एच के अंतर्गत ए ओ ए औ, ये चार वर्ण एच एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब यदि क्या हो, बाद में एच हो, सप्तमी लगी है इसका मतलब बाद हो गया, तो बाद में एच हो, एच का मतलब ए ओ आए औ हो, तो क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि फिर पहले पद के अंत में क्या हो? तो पहले पद में देखिए, जो आद गुणा का सूत्र था तो उसमें से हम आत उधार ले लेंगे और उस आत को यहां पर ले आएंगे, तो यह सूत्र बन जाएगा आत प्लस वृद्धि प्लस एज। तो इस आत का मतलब हो जाएगा छोटा आ या बड़ा आ, ठीक है? छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि ए ओ ए औ हो तो क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। अब वृद्धि हो जाएगी, यहां पर इतना बताया गया है, ये नहीं बताया गया है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए ओ ए औ होगा तो कौन सा वर्ण आएगा, ये नहीं बताया गया। देखिए, एक नियम हमारा जो है वो ये है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद क्या हो, ए हो या आय हो, तो बराबर क्या हो जाता है? आय हो जाता है। इसी तरह से दूसरा नियम है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या आओ हो तो आओ हो जाता है। ये तो नियम सभी किताबों में लिखे मिलेंगे, लेकिन हमको यहां पर समझना क्या है कि ये छोटा आ और बड़ा आ कहां से आया, ये तो जान ही गए, आत से आया है। उसके बाद ये ए और ए कहां से आया है, ये एच से आया है। अब इसको ए हो गया है, तो ए और इसको क्या हो गया है, औ हो गया है।
तो हम यहां पर यह बताने का प्रयास करेंगे कि ये यहां पर आई क्यों हुआ, यहां पर अव ही क्यों हुआ, कोई दूसरी चीज क्यों नहीं हो गई। तो देखिए यहां हमने पहले बताया था कि जो एज आत वृद्धि आत एज ये हमने बताया था, तो आत में बताया था बड़ा आ, एच में बताया था ए आए और औ, ये जो तीन वर्ण बताए थे ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। तो इन्हीं तीन वर्णों में से ही कोई ना कोई वर्ण यहां पर होगा। लेकिन अब बात ये आती है कि छुरा या बड़ा के बाद आए ए और आए के आने पर आए ही क्यों हुआ, औ क्यों नहीं हो गया, बड़ा आ क्यों नहीं हो गया। तो देखिए ये जो छोटा आ या बड़ा आ है इसका उच्चारण स्थान कंठ है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, और जो ए और ए है इसका उच्चारण स्थान है ए दैतो कंठ तालु, तो यहां पर ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। तो अब दोनों जब जुड़ेंगे तो जो विकार उत्पन्न होगा तो इनके स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा यही चीज देखना है। तो देखिए आ का उच्चारण स्थान कंठ था, तो यहां पर आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु था, तो यहां पर ए का भी उच्चारण स्थान कंठ तालु है, और औ का उच्चारण स्थान ओ दौतो कंठोष्ठम है। अतः यहां पर ना तो बड़ा आ होगा और ना ही औ होगा। तो शेष क्या बचा, जब दो वर्ण हमारे कट गए तो शेष तो वह एक आई ही बचा। अतः छोटा आ या बड़ा आ के बाद जब ए या आई आएगा तो आई ही होगा। इसी तरह से नीचे वाला भी समझ लीजिए, छोटा आ या बड़ा यानी ये कंठ है इसका उच्चारण स्थान, और ओष्ठ ओ का और अव का उच्चारण स्थान है ओ दौतो कंठ, ए दौतो कंठ तालु, ओ दौतो कंठोष्ठ, तो यहाँ कंठोष्ठ है। तो ये कंठ है ये कंठोष्ठ है, तो यहाँ पर ये कंठ है ये कंठ तालु है और ये कंठोष्ठ है, तो यहाँ पर अव ही होगा। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके बाद जैसे सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, अब सदा में देखिए बड़ा आ की मात्रा है लेकिन यहां पर उसके बाद ए है, उसके बाद ए है, तो जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ये लिखा है कि ए आए या ए आए बराबर क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा। तो यहां पर बड़ा आ निकाल लिया गया तो क्या बचा, सद बचा, सद बचा, और यहां पर आ और ए मिलकर के क्या बना, आए बना। तो आय की मात्रा इस दा पर हम लगा देंगे, तो जब आय की मात्रा लग जाएगी तो ये हलत अपने आप हट जाएगा और ये वा यहां पर लिख दिया जाएगा। इस तरह से ये सदैव हो गया। अब इसको जैसे हम दूसरी तरह से अभी जैसे बताए थे, मान लो ये सद बचा था, ठीक है, और आ और ए मिलकर के आय हुआ था, तो आय लिख दिए और फिर ये वाह हो गया। तो ये जो लिखा हुआ है इसको अगर जल्दी से पढ़ोगे तो इसका उच्चारण यही आएगा, जैसे सदायो सदायो सदायो, तो ये जब सदायो पढ़ोगे तो ये इस तरह से लिखोगे, तो इसका सही जो रूप है ये वाला है, ये सदायो ऐसे नहीं लिखा जाता है। दूसरा उदाहरण है जैसे एक प्लस एक, अब देखिए एक के का में छोटा आ है और उसके बाद ए आया है, तो छोटा या बड़ा के बाद जब ए या आए आए तो आए हो जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक लिखेंगे हलन लगा देंगे, फिर आ ए जोड़ करके आए हुआ था, आए की मात्रा जब लगाएंगे तो ये हलन हट जाएगा और ये का लिख देंगे, तो ये हो गया एक आएक। तो ये तो इसके एग्जांपल हो गए। अब मैं इसके उदाहरण बताने जा रहा हूं, छोटा आ या बड़ा आ पहले पद में हो और बाद में ओ या औ हो। तो जैसे देखिए अगला उदाहरण हम यहां पर दे रहे हैं, महा प्लस ओजह, महा प्लस ओजह, बड़ा आ है उसके बाद ओ है, तो बड़ा आ के बाद जब ओ आएगा तो औ हो जाएगा, औ हो जाएगा, इसलिए यहां पर मा लिखेंगे, हा लिखेंगे और औ की मात्रा लगाएंगे और जा लिख देंगे, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, महाजा। अब हम इसके बाद अभी होमवर्क देंगे, वो होमवर्क नोट करके फिर
पुनः उसको चेक करवाना है। छात्रों अब ये मैं आप लोगों को ग्रह कार्य दे रहा हूं, मैं कुछ पद दे रहा हूं, उन पदों का विच्छेद करना है और संधि तो वृद्धि बढ़ा ही रहे हैं तो वृद्धि संधि है ही, इसमें वृद्धि संधि नहीं लिखना है, केवल उसका विच्छेद करना है। पहला है परम औषधि, दूसरा है देवैश्वर्यम, तीसरा है दंतौष्ठ, चौथा है तवैव, पांचवा है ममैव और छठा है वनौषधि। इसके बाद कुछ इधर वर्ग दे रहे हैं, इसमें कुछ हम क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देना है, जो अभी तक हमने पढ़ाया है उसी में से ये प्रश्न बनाए हैं, उन्हीं नियमों को यदि पढ़ा होगा तो इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं आप। जैसे लिखा है आ के बाद ई हो तो क्या बनता है, फिर अगला है ई के बाद ई हो तो क्या बनता है, फिर अगला है ऊ के बाद ई हो तो क्या बनता है, फिर अगला क्वेश्चन है बड़ा आ के बाद औ हो तो क्या बनता है। इस तरह से ये इतना ग्रह कार्य है, इसको पूरा करके और उसकी फोटो खींच करके इसी ग्रुप पर भेजना है। अब आप चाहें तो वीडियो को रोक करके और इसको अपना ग्रह कार्य को पूरा उतार लें।